दरबार में कोई 2 रुपए चढ़ा जाता है, कोई 100 रुपए चढ़ा जाता है, कोई आता है तो पूरा खर्चा उठा के चला जाता है, कोई आता है करता कराता कुछ नहीं नाम करा के चला जाता है, कोई आता है हर तरीके के भगत यहां आते हैं। लेकिन प्रभु के बगिया में नाना प्रकार के फूल हैं, उसको भी पता है ये बगीचा ऐसे ही सजेगा। दुनिया में इतना बुरा नाम है लेकिन फिर भी उसको ड्यूटी वहां की दे देता है, कुछ नहीं पता उसका, उसने कहा किसको कहां बिठा रखा है। तो ये बात तो समय की, जब प्रभु राम लंका की चढ़ाई के लिए पुल बांध रहे थे, पूरी सृष्टि प्रभु राम की मदद में लगी थी। राम का बड़प्पन देखो, चाहता है तो लड़ने के लिए भरत को कह देते कि भाई सेना भेज दे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उन्होंने संदेशा दिया कि आपके पास कुछ भी हो मायना नहीं रखता, मगर आपके पास प्यार है तो पूरी सृष्टि आपके साथ हो सकती है, अगर आपके पास प्यार है। भरत को नहीं बोला कि मेरे पास सेना भेज दे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको अपना सैनिक बना लिया, चाहे वो वानर थे, चाहे वो भालू थे, चाहे वो पेड़ पौधे थे, चाहे वो पत्थर थे, चाहे वो मिट्टी थी, चाहे वो हवा थी, चाहे वो पानी था, चाहे वो समुद्र था, चाहे वो आसमान था, चाहे कौन सी शक्ति थी, उन्होंने सबको अपना मित्र बना लिया। ये बात उस समय की जब पुल बांध रहे थे, सारे वानर पत्थर डाल डाल कर आ रहे, राम का नाम लिखते पत्थर तैरने लग जाता। तभी वानरों ने आकर एक शिकायत की कि प्रभु एक गिलहरी है जो हमारे बीच में घूम रही है, पता नहीं उसके हाथ में पत्थर भी नहीं है, और उसको बचाने के चक्कर में कहीं वो पैर के नीचे ना आ जाए, पत्थर पहले ही गिर जाता है। तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा, बजरंगबली जाओ देख कर आओ, जहां पूरी सृष्टि हमारी मदद कर रही है ये गिलहरी हमें क्यों तंग कर रही है। हनुमान जी गिलहरी को पकड़ कर लेकर आए, राम सभा में गिलहरी को बुलाया गया, गिलहरी से पूछा, गिलहरी जहां पूरी सृष्टि हमारी मदद कर रही है तू हमें क्यों परेशान कर रही है। गिलहरी बोली, प्रभु माना पूरी सृष्टि आपकी मदद कर रही है, मैं भी आपकी मदद कर रही हूं, लेकिन सुनिए मैं कैसे आपकी सेवा कर रही हूं। राम जी बोले, तेरे बीच में आने से पत्थर पहले गिर रहा है। बोली, प्रभु ये सब पत्थर लगा रहे हैं लेकिन किसी ने एक बार नहीं सोचा, एक गिलहरी बार बार सागर में पूंछ भिगावे रेत पर लेटे पुल पर जा छिड़कावे, कि प्रभु मैं अपनी पूंछ को समुद्र के जल से गीला करती हूँ और रेत पर जाकर लेट जाती हूँ, जितना रेत मेरी पूंछ पर चिपकता है मैं पुल पर जाकर छिड़का देती हूँ। राम जी जब बोले हमें पत्थर चाहिए, तू रेत क्यों डाल कर आती है। गिलहरी बोली, प्रभु किसी ने नहीं सोचा, बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी तेरे पाँव में ना चुभ जावे, ये रेता आपके राह को प्रभु जी और भी सुगम बनावे। तो यहां जो भी आया है वो उसकी मर्जी के बगैर नहीं आया, चाहे 2 चढ़ाए चाहे 100 चढ़ाए चाहे ना चढ़ाया, उसको पता है इसने अगर 2 चढ़ाए हैं तो मैंने इसको 10 दिया इसलिए 2 चढ़ाए, इसने 100 चढ़ाए इसको मैंने 1000 दिए इसलिए 100 चढ़ाए, जिसने नहीं चढ़ाए उसके लिए भगवान ने अब रास्ता खोलना शुरू कर दिया कि चिंता मत कर तू भी चढ़ाने आएगा तुझसे भी लूंगा। देख वानरों की सेवा माँ मेरे दिल में जगा ये अरमान, मैं तो पत्थर प्रभु जी पत्थर, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई मेरे उठाए नहीं।
हैं, राम लिखते हैं पत्थर तैरने लग जाते हैं, तो खुद राम जाकर पत्थर डाले तो कौन सी इज्जत घटती है, लेकिन राम जी को पत्थर डालने कौन दे। जब सब सो गए, जब सब सो गए, हनुमान राम जी ने पत्थर उठाया, समुद्र में डाला और पत्थर डूब गया। राम जी को बड़ी हैरानगी हुई कि जिसका नाम इतना चलता है उसकी खुद की कुछ नहीं चलती। जब सोने लगे तो हनुमान जी को बुलाया, बजरंगबली ये बताओ तुम पत्थर पे राम लिखते हो पत्थर तैरने लग जाता है, खुद राम ने गहरा तो डूबा कैसे। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु जिसका साथ आप छोड़ दो वो तो डूबेगा ही डूबेगा ना। कौन कौन पार लगना चाहता है हाथ उठा के कहना, हो पार होगा वही जिसे पकड़ो घेरा, पार होगा वही जिसे पकड़ो घेरा, पार होगा वही पकड़ो घेरा, पार होगा वही जिसे पकड़े घेरा, जिसको छोड़ो जिसको छोड़ो जिसको छोड़ो के पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ो के पल भर में डूब जाएगा, छोड़ो के पल भर में डूब जाएगा। जरा ताली बजे प्रेम से, सुनो जरा ताली। बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े 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 सेठों की बड़ी बड़ी बात है, हम दो रुपया भी कहीं दान करते हैं तो दरबार में बाद में देते हैं, पहले अखबार में देते हैं। नैना देवी चले जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, पहली पे शर्मा जी, दूसरी पे वर्मा जी, तीसरी पे गुप्ता जी, चौथी पे मित्तल साहब। मंदिर में पंखे दान करेंगे, पंखों पे भी स्वर्गीय माता पिता का नाम लिखा देंगे। जीते जी हमसे परेशान रहे, मरने के बाद भी सारी दोपहर पंडित जी के ऊपर घूमते रहते, ये हम दान करते हैं। छोड़िए ना साहब, दान वो इस हाथ से किया तो इस हाथ को ना पता लगे। चेक करो जरा, आप जब ताली बजाते हो आवाज आती है क्या? आराम, इनको सुनने तो दो, आ रही है? किस किस को आ रही है? दोनों हाथ उठा के बताओ, पक्की बात है? बिल्कुल फिट हो सारे के सारे। बड़े बड़े सेठों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े सेठों की बड़ी बड़ी बात है, छोटी सी की लहरी में प्रभु जी बोलते हैं, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मेरे ताले आई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई, मेरे ताले आई। अरे हनुमान जी महाराज, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मगर आपको मेरी कसम है, जो उठाए दोनों हाथ आप पकड़ लेना उनका हाथ, और जो बजाए ताली 12 महीने बनाए दिवाली, और जो मचाए वानर सेना जैसा शोर वो कभी ना रहे कमजोर। ये मस्ती में बजाते हैं इसलिए मैं मस्ती में गाता हूं, ये भी गोगू जी बैठे रहे तो फिर कैसे बात बनेगी। एक बार इनके लिए भी ताली बजा दूंगा। आनंद लीजिए साहब, अगर आप मुस्कुराते हैं ना
मुस्कुराती है, वो मुस्कुराता है कि देख मैंने मेरे बच्चे को कुछ दिया है इसलिए मुस्कुराता है। सारा दिन रोते रहना, उसको खुशी होती होगी आपको देखते। मुस्कुराइए, मुसीबत भी आपसे डरने लग जाएगी। मुस्कुराइए, हार कभी आपके दरवाजे पे नहीं आएगी। मुस्कुराइए, लीले घोड़े पे चढ़कर सांवरे को आना पड़ेगा आपका काम बनाना। तो बहुत अच्छा काम कर रही थी। अच्छा चल बता फिर हनुमान जी को क्या सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने तुझ पर पांव रखा, पकड़ के ले आया तुझे। देखो वक्त बदलते देर नहीं लगती, शासन बदलते देर नहीं लगती। तो गिलहरी बोली, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी। ये मंडल वाले भी गाएं, आए हुए सभी भगत गाए प्रेम से। छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी। सबको है तारा मोहे तारो प्रभु जी, सबको है तारा मोहे तारो प्रभु जी। आपने अगर कीर्तन का चमत्कार देखना है तो पंडाल के बाहर अपनी सेल्फी लिया करो और एक सेल्फी अंदर लिया करो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। अंदर जो सेल्फी होगी उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होगी कि आपको लगेगा मुझसे खुश मिजाज तो दुनिया में कोई नहीं। इसलिए छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी। सबको है तारा मोहे तारो प्रभु जी, सबको है तारा मोहे तारो। ये शब्द आप सबने गाने हैं, ले लो अपनी शरण में मुझे। देखिए ये श्रीवाला जी संघ दिल्ली है, ये हमारा ब्रांच ऑफिस है। मैं 24 साल से मंगलवार को कहीं नहीं जाता, मैं मेरे शहर में। जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, जिस आदमी के पास प्रसाद का भी धन नहीं है, 24 साल से मैं उसके घर जाके कीर्तन करके आता हूँ हर मंगलवार को। उसी की एक ब्रांच हमने दिल्ली में खोली है। ये भैया के मन में था कि जिस तरह आप हर मंगलवार चंडीगढ़ कर रहे हैं तो हमें दिल्ली भी करना है, तो उसकी ब्रांच भी दिल्ली खुली है जो हर मंगलवार बालाजी महाराज का कीर्तन करेगी आपके दिल्ली में। निष्काम, सब कुछ अपने हिसाब से, जैसे हम लेके जाते हैं साउंड, गाने वाले, बजाने वाले, सब महाराज लेके आते हैं। तो वही एक चीज दिल्ली में भी शुरुआत, ये मैं तुम्हें ही दे रहा हूं वापस। ये मैं जब तुम्हारे पास आऊंगा ना साल बाद, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड लेने, बात करने का समय नहीं है, मेरी सुनो सिर्फ, बैठो बैठो। ये मैं उस दिन लेने आऊंगा आपसे जब आपका रिपोर्ट कार्ड देखने आऊंगा कि आपने एक साल में क्या किया। और ये कीर्तन कोई भी बुक करवा सकता है इनसे, यहाँ पर करोल बाग में ऑफिस है और पूरे दिल्ली में वो कीर्तन होता है सिर्फ बालाजी महाराज का नाम। क्यों? क्योंकि मेरा मन है एक दिन ऐसा आए कि ऐसी ब्रांचें बनती रहें और कोई एक छत के नीचे हम एक यहां पर बोले जयकारा और एक छत के नीचे 1,00,000 जयकारा बजे। हम यहां एक सुंदरकांड करें, पूरे देश में 1,00,000 सुंदरकांड हो। मेरा मन है ऐसा जीवन में मैं जरूर करूंगा और एक दिन महाराज ने चाहा तो ऐसा जरूर होगा साहब। और इसमें दिल्ली वालों का सबसे बड़ा सहयोग रहेगा, दिल्ली वालों का। जरा ताली बजे प्रेम से ये बात। सीताराम 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 ओ भजी।
राम जी का तो डूब गया था, रावण को जाके लोगों ने ताना दिया। रावण कहां पंगे लेता है, उनके नाम से तो पत्थर तैरते हैं, तेरे नाम से कीड़ी नहीं तैरती। रावण बोला चलो दिखाता हूं मेरे नाम से भी पत्थर तैरते हैं। 10 आदमी साथ में ले गया, अब पत्थर उठाया समुद्र में डाला, पत्थर तैरने लग गया। दुनिया को बड़ी हैरानी हुई, रावण में भी बड़ी शक्ति है। आदमी सबसे सब कुछ छिपा सकता है, लेकिन उसकी घरवाली को पता होता है वो कितने पानी में है। रावण जब सोने लगा, मंदोदरी बोली ए जी ये तैरा कैसे, ये तो कोई वरदान नहीं था आपके पास। रावण बोला मंदोदरी तूने ठीक पहचाना, मैं जैसे ही पत्थर को समुद्र में डालने लगा, पत्थर को कहा है पत्थर तुझे राम की कसम अगर तू ना तैरे। उसमें रावण का कुछ नहीं था, उसमें भी राम की शक्ति थी। तो प्रेमियों जब अपने शत्रु का काम बना सकते हैं, हम तो उसके प्यारे हैं ना। जरा दोनों हाथ खोल के प्रेम से ये बात, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आज संभालो हमको आकर, आज संभालो हमको आकर, तेरी ये सेवा ना भूल रघुराई, तेरी ये सेवा ना भूल रघुराई, युगो युगो तक ये कथा जाएगी सुनाई, युगो युगो तक ये कथा जाएगी सुनाई, तेरा रघुकुल पे है ये एहसान, तेरा रघुकुल पे है ये एहसान। मेरे भाइयों आप मानो या ना मानो, आपने भजन करवा के इस धरती को पावन किया है, इस धरती को पवित्र किया है, इस धरती को एहसान हो गया है धरती पे आपका, क्योंकि आपने इतने लोगों के लिए यहां पर भजन किया। एक एक ताली का हिसाब भगवान वहां लिख रहा है। छोटा सा रेत, थोड़ी सी रेत डाली थी गिलहरी ने, और प्रभु ने क्या कह दिया, तेरी ये सेवा ना भूल रघुराई, तेरी ये सेवा ना भूल रघुराई, युगो युगो तक ये कथा जाएगी सुनाई, युगो युगो तक ये कथा जाएगी सुनाई, तेरा सेवा लगा लो ऐसी जो किसी को ना पता लगे, आपको उसका 1000 गुना बढ़कर मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं हम तो इतना दान पुण्य करते हैं लेकिन वो लगता ही नहीं है। जनाब शोर मचा के दान पुण्य करोगे तो वो कैसे लगेगा? दान पुण्य तो तब लगेगा जब किसी को पता ही ना लगे और काम हो जाए। किसी गरीब का काम हो गया और आपने जाके उसी को ही चौक पे खड़ा कर दिया, देखो इसका काम तो मैंने करके दिया, तो भगवान भी नाराज हो जाता है। और वही आपको, आपने किसी का भला किया, वो पुण्य लगेगा ही लगेगा, और ये भला राम के नाम से होगा। तो प्रेम से गाना, जय जय सीता राम सीता राम।